आईपीएल ऑक्शन का खुमार इस वक्त पूरी दुनिया पर चढ़ा है। 2008 में शुरू हुए आईपीएल का अगले साल 2024 में 17वां सीजन खेला जाएगा और खिलाड़ियों की बोली पहले ही सीजन यानी कि 2008 से ही लगती हुई आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल इतिहास में सबसे पहली बोली किस खिलाड़ी की लगाई गई थी, कौन सी टीम ने उस खिलाड़ी को खरीदा था या फिर किस रकम में वो खिलाड़ी बिका था? नमस्कार, मेरा नाम दिपेश है और आज के वीडियो में मैं आपसे उसी खिलाड़ी की बात करने आया हूं जिसके नाम पर आईपीएल की सबसे पहली बोली लगाई गई थी। आईपीएल का सबसे पहला ऑक्शन साल 2008 में 20 फरवरी को हुआ था। इस नीलामी में सबसे पहली बोली ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉन के नाम पर लगी थी। वॉन को राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने अपने साथ $4,50,000 में शामिल किया था। भारतीय रुपयों में अगर बात करें तो 2008 में यह रकम कुल 3.21 करोड़ रुपए के बराबर थी। बाद में वॉन राजस्थान की टीम के कप्तान भी बने और उन्होंने इस टीम को पहले ही सीजन में चैंपियन भी बना दिया। हैरानी की बात यह है कि उस सीजन के बाद से ही राजस्थान की टीम ने अब तक एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। आईपीएल का पहला सीजन राजस्थान की टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके को 5 विकेट से हराकर जीता था। इस सीजन की पर्पल कैप राजस्थान के ही सोहेल तनवीर ने जीती, उनके नाम 21 विकेट पूरे सीजन में रहे थे। वहीं उस सीजन की ऑरेंज कैप पंजाब के शॉन मार्श ने 616 रन बनाकर अपने नाम की थी। वहीं वॉन की बात करें तो उन्होंने 2008 से लेकर 2011 तक आईपीएल के कुल 4 सीजन खेले, उनके नाम 55 मैचों में 57 विकेट रहे और उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 7.27 का रहा। स्पिन गेंदबाजी के जादूगर माने जाने वाले वॉन की पिछले साल थाईलैंड में मौत हो गई थी। ये खिलाड़ी वहाँ छुट्टियाँ मनाने गया था जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वॉन उस वक्त सिर्फ 52 साल के थे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया।